अस्सलाम आज हमारी क्लास आखिर बोर्ड क्लास मैट्रिक के साथ तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। और उसके कुछ एसएलओस हम कर चुके थे और शुरू स्टार्टिंग की थी हमने एसएलओस की और हम एक से दो एसएलओस कंप्लीट कर चुके थे। लास्ट एसएलओस हम जो कर रहे थे उसमें हमने ये पढ़ा था कि वी हैव टू डिटरमाइन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट वाज या इट इज डिस्प्लेस्ड। जब भी किसी सिंपल पेंडुलम को आप डिस्प्लेस करेंगे तो डिस्प्लेस करते हुए उस पर जो फोर्सेस लग रही है हमें उसके बारे में बात करनी थी। और लास्ट क्लास में मेरी एंडिंग का लेक्चर यही कर रहा था कि हम उसकी फोर्सेस को कैलकुलेट करते थे, निकालते थे, डायग्राम के थ्रू आपको बताया जा रहा था कि उस पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट करती है, ठीक है। तो आइए उसी एसएलओ से स्टार्ट करता हूँ मैं कि फोर्सेस ऑन अ डिस्प्लेस सिंपल पेंडुलम, ठीक है। फोर्सेस ऑन अ डिस्प्लेस सिंपल पेंडुलम ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। और यहां पर अगर आप फोकस करें तो मैं दोबारा से वो डायग्राम यहां बनाऊंगा आपके सामने, ठीक है। ये रिजिड सपोर्ट है जिसके थ्रू हमने सिंपल पेंडुलम को हैंग किया है। सिंपल पेंडुलम जब स्टेशनरी फॉर्म पे होगा तो मैंने आपको समझाया था कि इस पे दो फोर्स लगती है, एक वेट की फोर्स जो कि डाउनवर्ड होती है, एक टेंशन जो कि अपवर्ड होती है, ठीक है। लेकिन जब हम सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हैं, याद रखिए जब हम सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करते हैं तो उस पर कितनी फोर्सेज लगती है हमें आज इस पर बात करनी है, ठीक है। तो हमने लास्ट में इतने यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे हम उस पर कौन सी फोर्स लगेंगी। और आइए अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें आपके साथ कि इस पे फोर्सेस कौन सी लगेंगी, ठीक है। सबसे पहली बात कि वेव हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, तो वेव की जो फोर्स है वो आपकी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी और टेंशन की जो फोर्स है वो आपकी हमेशा अलोंग स्ट्रिंग या अलोंग रोप जो जिसके जरिए भी आपने बॉडी को हैंग किया होता है उसके अलाउंग आपकी फोर्स ऑफ टेंशन लगती है। तो टेंशन आपकी अलाउंग द स्ट्रिंग और वेट आपका डाउनवर्ड, ये दो फोर्स लग रही है आपके सिंपल पेंडुलम पे जब उसे डिस्प्लेस किया गया। तो जब भी बच्चों आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन अ डिस्प्लेस पेंडुलम, तो देयर आर टू फोर्सेज, मेनली देयर आर टू फोर्सेज, नंबर वन इज वेट व्हिच इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड नंबर टू इज टेंशन व्हिच इज अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। अब अगर इसको जस्टिफाई किया जाए फोर्सेज को कि किस फोर्सेस की वजह से हमारा पेंडुलम मूव कर रहा है और कौन सी फोर्सेस के कंपोनेंट्स बनेंगे तो आपको यह समझाया जाता है। देखें जब भी मैं सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस करूंगा तो उसमें लाजमी कोई ना कोई मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दूंगा, ठीक है। विदाउट गिविंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं अपने सिंपल पेंडुलम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता ओरिजिनल पोजिशन से। जब कभी भी आपको सिंपल पेंडुलम को उसकी ओरिजिनल पोजिशन से डिस्प्लेस करना होगा तो आपको लाजमन कोई यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देनी होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि आपने इसको थीटा या किसी एंगुलर फॉर्म में इसको मूव करवाना होगा। अच्छा, अब जब इसको मूव करवाएंगे आप तो टेंशन तो अलोंग द स्ट्रिंग है लेकिन वेट डाउनवर्ड है। अब हम यहां पर वेट को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, ठीक है। समझना आपने वाली बात को, वेट को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, जैसा आप 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा वेक्टर्स के अंदर के हाउ टू रिजॉल्व अ वेक्टर। कभी किसी वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए हम उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व करते हैं और उसके दो कंपोनेंट आते हैं एक्स और वाई। इसी तरीके से हमारे पास डब्ल्यू एक कंपोनेंट है, डब्ल्यू इज वेट, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, एक फोर्स है। उसके दो कंपोनेंट मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ, यानी मैं डब्ल्यू को ब्रेक कर रहा हूँ उसके दो कॉम्पोनेंट में, ठीक है। एक कॉम्पोनेंट मैंने बनाया डब्ल्यू का जो कि वर्टिकल कॉम्पोनेंट है, ठीक है, और एक कंपोनेंट बनाया मैंने जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, यानी वेट के मैंने दो कंपोनेंट बनाए, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर होगा कि मैंने जिस तरह से दो कंपोनेंट बनाए, वेट डाउनवर्ड था, मैंने इसके दो कंपोनेंट बना लिए। अगर मैं इस डायग्राम को बड़ा सा यहां पे आपके सामने बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो सके पिक्चर, तो ये डायग्राम कुछ ऐसी बनी हुई है। देखें, वेट था वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट के दो कंपोनेंट आए, एक अलोंग टेंशन, ये टेंशन थी हमारे पास, ये है टेंशन, ठीक है, और नीचे जा रहा है आपके पास वेट। समझना है आपने इस बात को,
टेंशन वाले एक्सिस में हमने वेट को जब डिटेल में इसको रिजोल्व किया तो आपके सामने बिल्कुल पैरेलल टू टेंशन एक्सिस आएगा। ठीक है, यहां पे आपको और समझना है, ये कंपोनेंट आप बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर यहां पर आप देखें सेकंड कंपोनेंट आएगा। इस तरह मैंने फोर्स को रिजोल्व किया, यहां पर आप देखें 90 का एंगल बन रहा है और जो यहां पर थीटा था वो एग्जैक्टली थीटा यहां पे होगा, क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट मैंने इसको यूं करवाया है उतना ही वेट से आपका डब्ल्यू वाई डिस्प्लेस किया गया होगा। तो बेसिकली ये जो थीटा था यहां पर, वो यहां जो यहां थीटा था वो बेसिकली यहां पर थीटा है। इस तरह मैंने अपने वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक कंपोनेंट का नाम होता है डब्ल्यू वाई, चूंकि वाई एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, इसे इसको मैंने एक्सिस टिल्ट कर दिया। आपके एक्सिस होते यूं, वाई एक्सिस ये होता है, एक्स एक्सिस ये होता है, अगर एक्सिस को आप टिल्ट कर लोगे तो वाई एक्सिस आपका ये रहा और एक्स एक्सिस आपका ये रहा, तो एक डब्ल्यू एक्स बन गया आपका और एक डब्ल्यू वाई बन गया। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दो डब्ल्यू के कंपोनेंट आ गए। अच्छा, जब भी किसी फोर्स को आप उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देते हो और कंपोनेंट्स पे फोकस करते हो तो उस मेन वेक्टर को हम कंसीडर कर नहीं करते। यानी अगर आप उससे पूछेंगे कि सर कितनी फोर्स लग रही है सिंपल पेंडुलम पे, तो मैं आपसे कहूंगा बेटा तीन लग रही है। ठीक है, इनिशियली मैंने आपसे कहा था कि डिस्प्लेस पेंडुलम में दो फोर्स लग रही होंगी, एक टेंशन विच इज टी एंड विच इज अलोंग द स्ट्रिंग या अलोंग द रो। ठीक है, नंबर टू पे हमने कहा कि नंबर टू पे लग रहा होगा वेट, वेट था डब्ल्यू, डब्ल्यू के दो कंपोनेंट आए, एक आया है डब्ल्यू एक्स और एक आया है डब्ल्यू वाई। याद रखिएगा वेट के दो कंपोनेंट है। तो अब अगर आप मुझसे पूछे सर हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग, तो मैं कहूंगा बेटा अगर आप कंपोनेंट्स को फोकस करो तो देयर आर थ्री फोर्सेस। नंबर वन इज टेंशन विच इज अराउंड एक्स वाई एक्सिस और अराउंड रो, नंबर टू इज डब्ल्यू एक्स एंड डब्ल्यू वाई। ठीक है, डब्ल्यू वाई जो है आपकी हमेशा जो है वो टी को कैंसिल करेगी, टी का इफेक्ट। यहां पर मैं एंगल बना लूं ताकि आपको क्लियर हो सके पिक्चर। ठीक है, ये क्लियर पिक्चर आपके सामने बना रखी है। अब डब्ल्यू एक्स किसके बराबर है, डब्ल्यू वाई किसके बराबर है, इस बात करेंगे। डब्ल्यू एक्स बराबर होता है डब्ल्यू साइन थीटा के। ठीक है, डब्ल्यू एक्स बराबर है डब्ल्यू साइन थीटा के, जबकि डब्ल्यू वाई बराबर है डब्ल्यू कॉस थीटा के। अच्छा, नाइन्थ क्लास का स्टूडेंट में नाइन्थ क्लास पढ़ क्या रहा है उसके लिए परेशानी नहीं होती समझना कि सर डब्ल्यू एक्स जो है डब्ल्यू साइन को कह रहे हैं और डब्ल्यू वाई जो है डब्ल्यू कॉस को कह रहे हैं। ठीक है, नाइन्थ क्लास में बच्चा वेक्टर्स की रेजोल्यूशन पढ़ के आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन मैं फिर से एक दफा एडवाइस कर रहा हूँ कि आप लोग एक थोड़ा सा गैप आया, जो एजुकेशनल सिस्टम के अंदर आपके गैप आया, तो मैं फिर से आपको एक बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेरे पास डब्ल्यू कॉस थीटा और डब्ल्यू साइन थीटा कैसे आया। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिये, ये एक ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है, समझ आ रही है, ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल में तीन साइड होती है, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। अगर मैं बात करूं आपसे हाइपोटेन्यूस की, तो हाइपोटेन्यूस हमेशा वो साइड होती है जो कि 90 डिग्री के अपोजिट होती है। ठीक है, याद रखिएगा हाइपोटेन्यूस हमेशा वो साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की जो 90 डिग्री के अपोजिट होती है। तो अब मेरे पास 90 डिग्री ये रहा, ठीक है, 90 के अपोजिट आप देखें क्या चीज है, तो आपको पता चलेगा सर 90 के अपोजिट तो डब्ल्यू है, जो नॉर्मल वेट था मेरा वो 90 के अपोजिट नॉर्मल वेट लग रहा है मेरा, जो एक्चुअल वेट था। तो आइए, हाइपोटेन्यूस हो गया मेरा वेट। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विच इज अपोजिट टू एंगल, विच इज यानी विच इज अपोजिट टू द एंगल थीटा। तो आप देखिए तीन साइडों में थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है, डब्ल्यू एक्स। ठीक है, तो थीटा के अपोजिट अगर बोलते आप ये कहते हैं मुझसे कि सर मैं इसे डब्ल्यू एक्स ना करता, मैं इसे डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू करता, तो कोई आज नहीं है, आप इसे डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू कर ले, फिर आपके डब्ल्यू के जो दो कंपोनेंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू, आपकी मर्जी है, इसको डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई करें, डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू करें। ठीक है, आप चाहे तो उसको डब्ल्यू एम डब्ल्यू एन कर दें, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, जिस मर्जी से भी आप चाहे उसको डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको एक्स वाई एक्सिस कर रहा हूं, मैं इसको एक्स एक्सिस कह रहा हूँ और इसको मैं वाई एक्सिस कह रहा हूँ, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप वो चाहे तो उसको कुछ बुक्स के अंदर या कुछ टीचर स्कूल में ही बताते हैं कि आप यू करें डब्ल्यू पैरेलल और डब्ल्यू परपेंडिकुलर, कुछ टीचर जरूर बताते हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात है कि थीटा के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो कहते हैं इसको डब्ल्यू एक्स के अच्छा एक्स से ज्यादा अच्छा है कि आप इसे कहें डब्ल्यू परपेंडिकुलर, तो आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, और डब्ल्यू वाई जो है वो पैरेलल है, थीटा की जो सात साइड होती है उसे हम बेस कहते हैं।
थीटा के जो सात साइड होती है उसे हम बेस कहते हैं, और बेस के लिए हम हमेशा जो है आपका पैरेलल कमांड यूज करते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे परपेंडिकुलर हो गए मेरे पास डब्ल्यू एक्स और बेस हो गई मेरे पास डब्ल्यू वाई। ये चीज अगर आपको समझ में आती है किसी भी ट्राइंगल के लिए, किसी भी ट्राइंगल के लिए, बच्चों मैं सिर्फ ये बात नहीं कर रहा कि पेंडुलम में आपको चीज आनी चाहिए, आगे भी कई चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें कोई ना कोई फोर्स आएगी और फोर्स को हम रिजोल्व करेंगे। मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ जो कि आपके हर चैप्टर पे एप्लीकेबल होगी बेटा, कि कभी भी किसी वेक्टर को रिजोल्व करेंगे आप, उसके दो कंपोनेंट्स हैं आपके पास, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, या यूं कह लें एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक पैरेलल कंपोनेंट। समझ में आ गई आपको बात? जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, यानी जो थीटा के अपोजिट वाला कंपोनेंट है, जो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो हमेशा थीटा के अपोजिट होगा, ठीक है। अगर वो डब्ल्यू एक्स तो डब्ल्यू एक्स, अगर वो डब्ल्यू वाई तो डब्ल्यू वाई। जो भी ट्राइंगल का कंपोनेंट थीटा के अपोजिट है वो परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलर है उसके साथ साइन आएगा, क्योंकि साइन सम पीपल एज यू पढ़ते हैं उसमें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस आता है, तभी आपको बात क्लियर भी कर दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से जो बेस है हमारी वो हमेशा वो साइड होगी जो अलोंग द थीटा है, यानी अलोंग द एंगल, ठीक है। हाइपोटेनस का कांसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर होगा आपको, चुका था कवर फिल्म पढ़ा हुआ आप लोगों ने। हाइपोटेनस होती है जो कि परपेंडिकुलर के सॉरी 90 के अपोजिट होती है, तो हाइपोटेनस में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाइपोटेनस इज ऑलवेज अपोजिट टू 90 डिग्री एंगल व्हिच इज हियर व्हिच इज w वे, ठीक है। इसके अलावा हमें दो कंपोनेंट w एंड w है, थीटा के अपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और थीटा जिसके साथ होगा वो बेस होगा। तो मैंने अपने हिसाब से हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस को सेट कर दिया। अब अगर आप उससे पूछ लेंगे सर जो आप ये बात कर रहे थे, ये बात थोड़ी सी बता दें कि डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू साइन कैसे आया और डब्ल्यू वाई डब्ल्यू कॉस कैसे आया, तो आइए बच्चों आपको ट्रिग्नोमेट्री की थोड़ी बातें बताते हैं। सम पीपल हैव तो साइन थीटा बेटा बराबर होता है साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर सॉरी, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हो गया परपेंडिकुलर क्या चीज है बच्चों डब्ल्यू एक्स, हाइपोटेनस क्या है डब्ल्यू, तो साइन थीटा बराबर हो गया डब्ल्यू एक्स अपॉन डब्ल्यू, और यहां पे डब्ल्यू देखिए आप डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस तरह मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा डब्ल्यू एक्स बराबर है डब्ल्यू साइन थीटा के, ठीक है। इस तरह मैंने साइन को यूज करते हुए डब्ल्यू एक्स का फॉर्मूला आया निकाला, और मैं जब कॉस को यूज करूंगा तो कर्ली ब्राउन हेयर कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर आप बेस को देखें तो बेस आपकी है डब्ल्यू वाई और हाइपोटेनस फिर से आपका डब्ल्यू है जो कि यहां डिवाइड हो रहा है वहां आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बन जाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा। दिस इज हाउ वी हैव टू कंपोनेंट ऑफ वेव, वेव का एक्स कंपोनेंट भी हमारे पास है और वेव का वाई कंपोनेंट भी हमारे पास है, ठीक है। एक्स के साथ साइन आ रहा है, इसको ऐसे कभी मत याद करें कि एक्स के साथ साइन आएगा वाई के साथ कॉस आएगा, अगर आप ऐसे याद करते हैं तो आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना होगा। एक्स को कभी कॉस नहीं कहते, वाई को कभी साइन नहीं कहते, हम कहते हैं साइन हमेशा वो होगा बच्चों जो परपेंडिकुलर होगा, साइन हमेशा उसके साथ आएगा जो परपेंडिकुलर होगा। इस वक्त मेरा परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो डब्ल्यू एक्स है और परपेंडिकुलर का मतलब होता है अपोजिट टू थीटा, ठीक है, और कॉस हमेशा उसके साथ आएगा जो हमारे पास बेस होगा, और इस वक्त मेरे पास बेस जो है वो डब्ल्यू वाई है। बेस क्या होता है द साइड ऑफ अ ट्राइंगल विच इज अलोंग थीटा, ठीक है, जो थीटा के साथ होती है साइड उसे हम बेस कहते हैं, जो अपोजिट टू थीटा होती है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो अपोजिट टू आपका 90 डिग्री होती है उसे हम हाइपोटेनस कहते हैं। इस तरह मैंने आपके सामने दो फॉर्मूले लिखे। इतनी सारी बहस और इतने सारे समझाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये बता सकूं कि बच्चा हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ डिस्प्लेस पेंडुलम। तो देयर आर थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ डिस्प्लेस पेंडुलम, नंबर वन इज टेंशन, नंबर टू एंड नंबर थ्री आर टू कंपोनेंट्स ऑफ वेव, नंबर वन इज डब्ल्यू एक्स और नंबर टू इज डब्ल्यू वाई। डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा एंड डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉस थीटा। ये तीन फोर्सेस हमारे पास लग रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप तो पूछेंगे सर फोर्सेस तीन लग रही हैं, ठीक हो गई बात, लेकिन पेंडुलम किसकी वजह से मूव करेगा, ठीक है, समझ में आ नहीं है। तो देखिए बच्चों डायग्राम के जरिए हमें वाजे तौर पर साबित है कि टेंशन बराबर हो जाएगी डब्ल्यू वाई के, टेंशन
बराबर हो जाएगी डब्ल्यू वाई की। आप इनकी डायरेक्शन देख रहे हैं फिगर के अंदर, देखिए इस बॉब को टेंशन ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रही है और डब्ल्यू वाई इसको नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन पेंडुलम, जब आप पेंडुलम को मूव करवाते हैं तो पेंडुलम कभी यू मूव नहीं करता, ठीक है, पेंडुलम कभी अप एंड डाउन मूव नहीं करता। इसका मतलब है ना टेंशन नेट फोर्स है ना डब्ल्यू वाई नेट फोर्स है, क्योंकि ये दोनों बराबर है और इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है। तभी ना तो पेंडुलम का बॉब नीचे जाता है ना ही पेंडुलम का बॉब ऊपर आता है, क्योंकि ना ही टेंशन ज्यादा है और ना ही डब्ल्यू वाई ज्यादा है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। बात करोगे तीन फोर्स लग रही है जिनमें से दो आपस में एक दूसरे के बराबर है, यानी आप कह सकते हो कि सर टेंशन बराबर है डब्ल्यू कॉस थीटा के। आप ये भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, ये जरूरी नहीं है कि टी बराबर है डब्ल्यू कॉस थीटा के, जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि पेंडुलम में लगने वाली तीन फोर्स थी, तीन फोर्स में टेंशन को जो है ना बैलेंस करता है डब्ल्यू वाई, यही वजह है कि पेंडुलम जो है अप एंड डाउन मूव नहीं करता। पेंडुलम कैसे मूव करता है, क्यों मूव करता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब एक ही फोर्स बच गई, इसका मतलब है द ओनली रिस्पॉन्सिबल फोर्स, द लिख लिया अपने पास द ओनली रिस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर द मोशन ऑफ पेंडुलम इज डब्ल्यू एक्स विच इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा। इसका मतलब पेंडुलम को मूव करवाने वाली जो वाहिद फोर्स है वो डब्ल्यू एक्स है। जब तक डब्ल्यू एक्स होगी यानी वेट का एक्स कंपोनेंट होगा, और वेट का एक्स कंपोनेंट से मुराद जब तक ये डब्ल्यू साइन थीटा होगा तब तक आपका पेंडुलम मूव करता रहेगा, ठीक है। और इस डब्ल्यू को अगर आप फर्दर खोलना चाहें तो वेट बराबर होता है एमजी के, तो आप अगर खोलना चाहें अपने साथ यहां पर तो देखें डब्ल्यू एक्स बराबर होता है एम जी साइन थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि देखें जो डब्ल्यू था ना उसको मैंने खोल दिया एम जी के अंदर, तो डब्ल्यू एक्स बराबर हो गया डब्ल्यू साइन थीटा के, और इस डब्ल्यू की जगह मैंने एम जी का फॉर्मूला खोल दिया। तो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अदरवाइज टू मोर फोर्सेज आर ऑल्सो अप्लाइंग ऑन डिस्प्लेस पेंडुलम बट दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, देयरफॉर दे कैंसिल ईच अदर्स इफेक्ट, ठीक है। तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगी और वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन होगा और उसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ वेट का एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई सवाल है तो वो रेज कर सकता है अपने क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि उसको हम उसको जवाब दे दें, अदरवाइज हम इस सिलसिले से आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। नाइन क्लास के अंदर जब हमें रिजॉल्व करने का कहा जाता था तो हम क्या करते थे, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए हम उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे एक्स एक्सिस की तरफ, याद होगा आपको। तो जो एक्स पे आता था वो हमारे पास वेक्टर का एक्स कंपोनेंट होता था, ठीक है, और इसी तरह हम इसको लेके जाते थे वाई की तरफ, और जो वाई में आता था वो हमारा फोर्स का y कंपोनेंट हुआ करता था, ठीक है बच्चों, जिसमें हमारा थीटा हमेशा यहां बना होता था। ये मैं नाइन क्लास का बता रहा हूं आपको, ठीक है। फोर्स के वेक्टर को मैंने रिजॉल्व किया, मेरे पास दो आंसर आए fx और fy, बेसिकली दे आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, दे आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट अगर प्लेन पे बना रहा हूं तो दो वेक्टर होंगे, जिस तरह आज यहां फोर्स के बनाए इसी तरह वहां पे देखें आपके वेट के वेक्टर बने हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहां फोर्स के बनाए वैसे ही वहां पर वेट के बनेंगे। फिर हम क्या करते थे नाइन क्लास में, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, नाइन क्लास के अंदर में एफ वाई को फ्री वेक्टर बनाकर हम ये कहते थे कि जितनी इसकी लेंथ है उतनी यहां पर इसकी लेंथ है, ठीक है। लिहाजा दोनों सेम है तो हम इस वेक्टर को यहां शिफ्ट करते थे और हमारा ट्राइंगल कंप्लीट हो जाया करता था नाइन क्लास में। तो हम कहते थे ये एफ एक्स हो गया, ये एफ वाई हो गया, ये पूरा ट्राइंगल हो गया, और फिर हम इसको एक्सट्रैक्ट करते थे बाहर, हम कहते थे भाई ये हमने बनाया ट्राइंगल जिसमें ये एफ एक्स है, जिसमें ये एफ वाई है, और ये मेरे पास एफ है, इनके बीच में एंगल थीटा है, याद हो गया आपको नाइन क्लास में किया था। और फिर हमने कहा था एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यूज क्या होंगी, जब इसमें आप सॉल्व करते थे बच्चों, तो मैं पूरा इसको करके बता देता हूँ पूरा सॉल्व हमने कैसे किया था नाइन क्लास में। आप कहते साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है, अगर आपको ये नहीं पता चेकबॉक्स में बताएं कि आपको यही नहीं पता
कि साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस के, कॉस बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के। अगर ये बात नहीं पता तो आपको समझना बहुत मुश्किल है, आपको पहले याद करना पड़ेगा ये चीज कि सम पीपल हैव फेयरली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। इसके तीन वो बनते हैं, साइन का बनता है सम पीपल हैव यानी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस, कॉस का होता है फेयरली ब्राउन हेयर यानी कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस के। फिर अगर टिल पेंटेड ब्लैक जिसमें होता है टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। अगर ये बात नहीं पता तो मुझे जल्दी से बता देना चेक बॉक्स में ताकि मैं समझ जाऊंगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मसला हो रहा है, यानी इस चीज पे समझने में मसला हो रहा है। क्योंकि ये चीज बहुत क्लियर है, अगर ट्राइंगल समझ में आता है आपको और ट्राइंगल के तीनों पार्ट समझ में आते हैं, ट्राइंगल के तीन पार्ट होते हैं बच्चों हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर और बेस तीन पार्ट है हमारे पास, ये बात आपको समझानी पड़ेगी मुझे कि बेटा ट्राइंगल के अंदर आपके पास हाइपोटेन्यूस भी होता है परपेंडिकुलर भी होता है और बेस भी होता है। अगर आपके टीचर्स ने आपको नाइन क्लास में नहीं बताई तो मैं फिर से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, हालांकि ये नाइन क्लास का पार्ट है, प्योर नाइन क्लास का पार्ट है क्योंकि बच्चा वहां पर वेक्टर्स का चैप्टर फेस में पढ़ के आ रहा था, तो बेसिकली हमारा लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा आज का, यानी हम नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं जा सकेंगे, लेकिन ये बात क्लियर करना जरूरी है आपको क्योंकि ये बेसिक चीज है और बेसिक नॉलेज है, अगर बच्चे के पास नहीं होगी तो आपको आगे चैप्टर में भी सर्वाइव करना होगा, ठीक है। तो मैं आज ये बात क्लियर करता हूँ, आज मैंने यही स्लो करें लेकिन हमें ये बात आज आपको क्लियर करके जानी है, ठीक है। देखिए बेटा राइट एंगल ट्राइंगल के तीन साइड होती हैं, ठीक है। इतना तो मैथ्स क्लास में पढ़ा हुआ कि राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक 90 डिग्री होता है, ठीक है, जैसे कि ये ठीक है। हर राइट एंगल ट्राइंगल के तीन पार्ट होते हैं, हाइपोटेन्यूस क्या होता है, ऑलवेज द साइड विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री। तो मैं लिख रहा हूं आप देखें, हाइपोटेन्यूस वो साइड होती है जो कि अपोजिट टू 90 डिग्री, ठीक है। हाइपोटेन्यूस साइड विच इज अपोजिट टू 90 डिग्री, जहां भी 90 डिग्री बने राइट एंगल में लाजमी बनेगा, ऐसा नहीं कि बच्चा बोले सर 90 डिग्री ना हो तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इसपे नहीं लगेंगे, ठीक है। अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो साइन कॉस टेन लगाने का कोई फायदा नहीं है। साइन कॉस टेन आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, या मैट्रिक क्लास के मैथ्स में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, उसमें आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह और डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आज का आपको ओवरव्यू देना चाह रहा हूं, चूंकि हम बेस पढ़ रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल तीन साइड होती है, वो साइड जो 90 के अपोजिट होती है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, चाहे वो कोई भी साइड हो 90 के अपोजिट है तो विच इज दैट इज हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या होती है, अपोजिट टू द एंगल, अपोजिट टू थीटा। अब आप बोलेंगे सर 90 भी तो एंगल था, नहीं बच्चा 90 फिक्स एंगल होता है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो फिक्स एंगल होता है वो तो 90 होता है, ये रहा। लेकिन 90 के अलावा भी दो एंगल है, ये रहा। जो भी दोनों में से दिया होगा, ये दिया हुआ है तो आप इसको थीटा कंसीडर करेंगे, अगर यहां पे दिया होगा तो आप इसको थीटा कंसीडर करते। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर, मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि एफ एक्स जो है परपेंडिकुलर है या एफ वाई परपेंडिकुलर है, मैंने सिर्फ ये कहा कोई भी साइड ट्राइंगल की जो कि अपोजिट टू थीटा हो। ये बेटा ऐसी डेफिनेशन बता रहा हूं आपको जो आप यहां से यूनिवर्सिटी लेवल तक भी पहुंच जाएंगे ना तो आपको परेशानी इंशाल्लाह कभी नहीं होगी, अगर आप याद करेंगे। हाँ अगर आप छोटे बच्चों की तरह दूसरे बच्चों की तरह वैसे आते हैं, नहीं सर ने बताया था कि सिर्फ एफ एक्स जो है वो बेस होता है और एफ वाई जो है आपके पास परपेंडिकुलर होता है, आप ऐसे याद करें तो सॉरी फॉर दैट, आप आगे नहीं इसको सही से कर पाएंगे। अगर ये चीज समझ जाएंगे आप जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ट्राइंगल के अंदर तीन साइड होती है, 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, अब चाहे वो एक्स हो जेड हो कुछ भी हो, ठीक है, एल एम एन में हो पी क्यू आर में हो किसी चीज में भी हो, वो चीज जो 90 डिग्री के अपोजिट है वो साइड ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस कहलाती है। और वो साइड जो एंगल के अपोजिट है, थीटा एंगल हो सकता है, फाई एंगल हो सकता है, एक्स एंगल हो सकता है, सपोज करो मैं इस एंगल को मिटाकर एक्स कर दिया, तब भी तो आपको फॉर्म में आना कि एंगल एक एक्स अननोन है, तो एक्स के अपोजिट जो है, थीटा के अपोजिट जो है, एंगल के अपोजिट जो है, कोई भी एंगल आपको दिया होगा एंगल के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब अगर दो ट्राइंगल को आप देखो, जल्दी से देखिए बच्चों, इस ट्राइंगल के अंदर जो मैंने अभी एफ वाला ट्राइंगल बनाया, नाइन्थ क्लास वाला ट्राइंगल बनाया, उसमें आप देखिए थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है, एफ वाई, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, एफ वाई। लेकिन अगर आप ये फिगर देखिए जो मैंने सिंपल पेंडुलम बनाई है, तो उसमें एंगल का बन नहीं रहा, ये 90 है, 90 के अपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी, वो तो कंफर्म हो गया, डब्ल्यू इज हाइपोटेन्यूस, ये रहा डब्ल्यू हाइपोटेन्यूस, ठीक है। एंगल के अपोजिट जो साइड होगी, देखिए इस पर एंगल का अपोजिट क्या है, डब्ल्यू एक्स है, तो डब्ल्यू एक्स परपेंडिकुलर होगा, समझना इस बात को। यहां पर एंगल के अपोजिट क्या है,
FY, तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं आपसे, इसको हम अलग करते हैं। अगर मैं पूछूं बेटा यहाँ से हाइपोटेनस क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सर आपने समझाया था 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है, 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो है हाइपोटेनस, विच इज एफ। यही मैं आपसे पूछूं बेटा यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, तो आप कहेंगे सर आपने जो डेफिनेशन बताई थी वो ये थी कि एंगल के अपोजिट जो भी साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी। तो आइए एंगल के अपोजिट जो साइड है वो एफ वाई है, एफ वाई क्या होगी बच्चों? परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इसी तरीके से जिस पे एंगल लाई करता है, थीटा लाइज, जिस पे थीटा लाई करता है, देखिए किस पे थीटा लाई कर रहा है, दो साइड पे ही कौन सी बची जिस पे थीटा लाई कर रहा है, व्हिच इज द एफएक्स। तो बेस हमेशा वो होती है जिस पे थीटा लाई करता है। यहां पे देखिए पैरेलल वाले में थीटा के अपोजिट डब्ल्यू एक्स था, लिहाजा उसको मैंने परपेंडिकुलर कहा। थीटा जिस पे लाई करता है वो है डब्ल्यू वाई, तो जो डब्ल्यू वाई है वो मेरी क्या है? बेस है। तो बच्चों इस कंफ्यूजन में कभी मत आना कि एक्स हमेशा बेस होगी और वाई हमेशा परपेंडिकुलर होगा। नाइन्थ क्लास में बच्चा ऐसे ही क्या होता है पता आपको? नाइन्थ क्लास में बच्चा ये नहीं पता, बच्चे कहते हैं टीचर ने बताया था कि जो एफ एक्स है वो हमेशा बेस है, यानी एक्स हमेशा बेस होगी और वाई हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये गलत कॉन्सेप्ट है, एक्स हमेशा बेस और वाई हमेशा परपेंडिकुलर, दिस इज नॉट द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि एक्स हो, वाई हो, एल हो, एम हो, पी क्यू आर कुछ भी हो, वो साइड जो हमारी अपोजिट टू द एंगल होगी वो जो भी हो उसे हम परपेंडिकुलर कहेंगे। जो साइड हमारी थीटा पे लाई कर रही है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वो हमारी बेस कहलाएगी। तो अगर आपके पास 9 क्लास की केमिस्ट्री फिजिक्स की बुक है तो आप उसमें देख सकते हैं, और टॉपिक 9 क्लास की केमिस्ट्री की बुक पे है, और वहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास यही फिगर थी। और यहां पे अगर मैं अब आता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर, आपको क्लियर करता हूं, टाइम बहुत कम है क्या हमारे पास, आइए उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सवाल आप क्लियर करते हैं और फिर क्लास खत्म करेंगे इस सिलसिले पर। देखिए बच्चों ये बात तो हुई, मैंने आपको अपने इसका बता दिया, इस ट्राइंगल का, और वो हमने उस ट्राइंगल का बता दिया। अब दोनों के लिहाज से आप करके देख ले, साइन कॉस टेन के बारे में आपको बताऊं, मैं लिख रहा हूं एक चीज, उसको आप कॉपी करें फिर मैं बताऊंगा। देखिए वहां कर दे कॉपी, देखिए यहां से आप कॉपी कर लें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन, ये बच्चे याद करते हैं, मतलब बच्चों ने याद करने के लिए बनाए हुए चीजें और टीचर्स उनको देंगे, टिल पेंटेड ब्लैक। अब इसके फर्स्ट अल्फाबेट्स देख लें आप सारे, ठीक है, तो आपको समझ आएगी मैंने साइन कॉस टेन तीनों चीजें बताई आपको। ठीक है, साइन का फंक्शन जब भी यूज करेंगे इसको डिटेल में आप मैथ्स में पढ़ेंगे, ठीक है, साइन थीटा, थीटा ये रहा और थीटा ये रहा, ठीक है, थीटा के साथ बढ़ा रहा हूं, साइन थीटा हमेशा बराबर होता है, चाहे ये ट्राइंगल हो चाहे ये ट्राइंगल हो, ठीक है, चाहे एक्स किसी को ले लो, वाई किसी को ले लो, बेस कोई हो, परपेंडिकुलर कोई हो, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ये बात किसने बताई हमें? ये बात दोनों फॉर्मूले की थी, सम पीपल हैव, तो आप देखिए सम का एस हो गया आपके पास, सम पीपल हैव, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस थीटा बराबर होता है, आज आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो मैं से भी आप टीचर को बता रहे कि सर हम तो पढ़ के आए ऑलरेडी है, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से पढ़े, कॉस थीटा बराबर होता है कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, इसका मतलब है कॉस फॉर कर्ली, ब्राउन फॉर बेस एंड हेयर फॉर हाइपोटेनस। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक, टिल पेंटेड ब्लैक का मतलब है टेन थीटा बराबर है पेंटेड ब्लैक, परपेंडिकुलर ओवर ब्लैक बेस। बेटा ये आपको जो मैंने आज लिखा है, इंशाल्लाह अगर प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे आप तो आपको सेकेंड रहता है कि काम आएगा, इंशाल्लाह आगे नर्सरी से भी काम आएगा। ठीक है, तो ये साइन कॉस टेन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इन तीन के मतलब मैंने लिख दिए। अब आप ये तीनों चाहो तो इस पे लगाओ उस ट्राइंगल पे, चाहो तो उस पे लगाओ, आपका आंसर सही आना है, कोई भी आपके आंसर को चैलेंज नहीं कर सकता और ना उसको गलत कर सकता है, चूंकि आप इस चीज को फोकस कर रहे हैं और चीजें आपको बताएं। हाँ, अगर आपने थीटा के अपोजिट बेटा एफ आई लिखा हुआ है और मैंने कहा कि थीटा के अपोजिट से पहले नहीं कहना है और आपने गलती से एफ आई को बेस कर दिया तो गारंटी कोई भी नहीं, तो इस बात की गारंटी नहीं कि आपके आंसर सही होंगे गलत होंगे, लेकिन अगर आप ये चीज को फोकस कर रहे हैं, मैं इस पर स्टार बना रहा हूं, आप इसको काइंडली जरा इसको इंपॉर्टेंट दें। ठीक है, अच्छी क्लास में काफी याद रहा है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में तीन जो साइड होती है उनको हम ऐसे जज करते हैं,
हाइपोटेन्यूज को बेंडिंग को और बेसिस, जिसने ये देना सीख दिया उसके लिए साइन कोसाइन कोई बात ही नहीं है, मतलब ये मजाक हो जाएगा आपको। कैसे आइए, अगर मैं आपसे कहूँ बेटा मुझे इस ट्राइंगल का ना साइन कोसाइन निकाल के दिखा एफ एक्स एफ वाई, तो आप क्या करेंगे, आप लोगों से साइन थीटा आपने बताया था बराबर होता है परपेंडिकुलर होगा हाइपोटेन्यूज के, तो तीनों में परपेंडिकुलर कौन है, एफ वाई, एफ वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है एफ, एफ हो जाएगा ठीक है, F या डिवाइड मान लेंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटा F y क्या आ जाएगा, F y बराबर हो जाएगा F sin थीटा। अब आपको समझ में चीज आने लगेगी कि इधर F y F sin थीटा है ठीक है, और यहां पर W y W cos थीटा है। इसका मतलब बच्चों क्लियर कर दिया मैंने आपको क्लास में कि y को sin समझ लेना और y को cos समझ लेना बेवकूफी होगी बच्चे की। y कभी sin नहीं होता, y कभी cos नहीं होता, साइन और कॉस नहीं बाय और एक्स से रिप्रेजेंट करते, साइन और कॉस हमेशा परपेंडिकुलर और बेस के हिसाब से दिए जाते हैं। यहां पर सिर्फ साइन रहे तो मैं समझ गया, जैसे साइन रहे मैं समझ गया कि साइन का मतलब है ठीक है। डायरेक्ट मैंने आपको बताया था कि मैं नहीं बता सका, खैर आपको सारी चीजें क्लियर कर दी, किसी को भी सवाल है तो बाहर निकल लें ठीक है। एक मिनट रह गया हमारी क्लास में, हम क्लास को खत्म करेंगे यहाँ पर, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज क्लियर होगी बच्चों को, बच्चे याद रखें लास्ट में इसका ख्याल रखें, क्योंकि आपके सिर्फ मैट्रिक में काम नहीं आएगा बच्चों, फर्स्ट और सेकेंड में भी आपकी इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन आपको करनी होगी और आपके काम आएगा, इसलिए मैंने आज की क्लास पूरी इस टॉपिक पे वर्क कर दी है ताकि आपको क्लियर पिक्चर्स की सामने आ जाए। अब होपफुली आपको आइंदा आने वाले चैप्टर्स में या टॉपिक्स में रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कोई इशू नहीं आने वाला, हमेशा जब भी रिजॉल्व करना होगा हमेशा उसको दो वेक्टर्स में रिजॉल्व करेंगे, एक एफ एक्स होगा, सॉरी एक एक्स कंपोनेंट होगा, एक वाई कंपोनेंट होगा, और एक्स और वाई में जो परपेंडिकुलर होगा आप हमेशा उसके साथ साइन लगाएंगे, जो बेस होगा आप हमेशा उसके साथ कॉस लगाएंगे। तो होपफुली आपका अच्छा लेक्चर आपको समझ में आया होगा ठीक है, तब आप नेक्स्ट क्लास तक के लिए जाते हैं, अल्लाह हाफिज़।